जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज की इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू इनकम टैक्स रिजीम के सारे बेनिफिट्स जो हम इनकम टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे। चाहे आप एक इंडिविजुअल हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हैं या सुपर सीनियर सिटीजन, अब आप खुद से इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम में जाना कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। हम इनकम टैक्स रिजीम के, न्यू इनकम टैक्स रिजीम के सारे बेनिफिट्स, चाहे वो 87A का हो या आपकी टैक्स रिलीफ हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो सैलरीड के केस में, पेंशन के केस में, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की डिडक्शन हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम की टैक्सेबिलिटी हो, फैमिली पेंशन की बात हो, एनपीएस की बात हो या अग्निवीर कॉर्पस की बात हो, ये सारी बातें इनकम टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है हमने इस वीडियो को बनाने में मेहनत की है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और भी लोगों के साथ अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके और वो भी अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेशन खुद से बना सके और समझ सके। आशा है इस वीडियो को देखने के आपने हमारे चैनल को, टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। और ये करना आप सभी के लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हमारी टीम आपके लिए रिसर्च करके और भी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम की कैलकुलेशन कुल 5 तरीकों से समझेंगे, जिसमें मिस्टर ए से लेकर मिस्टर ई तक का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। एज कुछ इस तरह से है, 40 इयर्स, 62 इयर्स, 85 इयर्स, 45 इयर्स और 67 इयर्स। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन सभी को कवर किया है। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूँ तो हाउस प्रॉपर्टी मैंने लेट आउट का भी केस लिया है और सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी केस लिया है, होम लोन इंटरेस्ट का भी केस लिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी केस लिया है, यहाँ पे फैमिली पेंशन का भी केस लिया है, ATCCD2, CCH और स्पेशल रेट, टैक्सेशन रिबेट, टैक्स रिलीफ, सभी को इस कैलकुलेशन में मैंने कवर किया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 5 एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम फटाफट से देख लेते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए की एज है 40 इयर्स, लेट आउट है प्रॉपर्टी, सैलरी की इनकम है 6 लाख रुपए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो गवर्नमेंट ने बजट 24 से 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दी है, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए उनको मिलेगी 75,000 की डिडक्शन। तो टोटल इनकम यहाँ पे मैं सैलरी की इनकम मानो कैलकुलेट करूं तो 5,25,000 रुपए हो जाएगी। रेंटल इनकम, रेंट इनको रिसीव हो रहा है 2 लाख रुपए का। होम लोन इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी है लेट आउट, तो यहाँ पे होम लोन इंटरेस्ट की इनको छूट मिल जाएगी, जो कि मिल जाएगी 1 लाख रुपए की। अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो गई इनकी 1 लाख रुपए की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्होंने अर्न किया सिक्योरिटीज के केस में, जो कि यहाँ पे 1,20,000 का उसकी एग्जम्पशन यहाँ पे मिल गई उनको 1,20,000 की। तो यहाँ पे कैपिटल गेन पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं आया। अब यहाँ पे मिल रही है इनको फैमिली पेंशन 33,000 रुपए की। फैमिली पेंशन का रूल होता है कि 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 रुपए, जिसको गवर्नमेंट ने अभी बढ़ा के न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मैक्सिमम 25,000 रुपए कर दिया है। तो 1/3 होता है 33,000 का 11,000 रुपए और मैक्सिमम है 25,000। तो दोनों में से जो कम होता है वो एज ए डिडक्शन हमको मिलता है। तो 33,000 में से 11,000 की डिडक्शन हमको सेक्शन 57(2)(a) की मिल जाएगी और जो यहाँ पे नेट फैमिली पेंशन इनकम टैक्सेबल होगी वो होगी 22,000 रुपए। तो अब इस केस में ग्रॉस टोटल इनकम मैं अगर कैलकुलेट करूं, इन तीनों को ऐड करूं, तो मेरी आती है 6,47,000 रुपए। 6,47,000 की इनकम आएगी और उसके बाद यहाँ पे ATCCD2 में यहाँ पे मिस्टर ए का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है और एनपीएस के अंदर यहाँ पे 50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है। तो 50,000 की छूट यहाँ पे मिस्टर ए ले लेगा और यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम जो बन जाती है वो बनती है 5,97,000 रुपए। तो 5,97,000 रुपए पे इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनता है, तो न्यू इनकम टैक्स स्लैब पे डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। बजट 24 से न्यू इनकम टैक्स स्लैब के इनकम टैक्स स्लैब्स को चेंज किया गया है, रेट्स को चेंज किया गया है और साथ में मैंने आप सभी के रेफरेंस के लिए इन ब्रैकेट्स के
अंदर बनने वाले टोटल टैक्स को भी यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अप टू 3 लाख नेल टैक्स है, 3 to 7 5%, 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 15%, 12 to 15 20%, और 15 अबव होने पे 30% का टैक्स। तो यहाँ पे 3 से 7 लाख, अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है तो आपको 20,000 का टैक्स देना है। रिबेट की बात हम बाद में करेंगे। 7 से 10 लाख पे आपको 20,000 plus 30,000, 10 लाख तक की इनकम होने पे आपको टोटल 50,000 का टैक्स। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट यहाँ पे करके रख लिया है। तो अब मिस्टर ए के लिए अगर मैं अप्लाई करूँ तो 5,97,000 की इनकम में मैं यहाँ पे 3 लाख को रिड्यूस कर देती हूँ, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है और 5% का टैक्स लगेगा, और इसमें मेरे को मिल जाएगी रिबेट। यहाँ पे कोई स्पेशल रेट की इनकम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे निल हो गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मेरे को यहाँ पे 12.5% के टैक्स रेट को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना होगा। तो 87A का रिबेट आ गया 14,850 का। यहाँ पे टैक्स रिलीफ की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इनकम ही 7 लाख रुपए से कम है। 7 लाख रुपए से ऊपर होने पे आपका टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है, वो आगे एग्जांपल में हम समझेंगे। तो अब यहाँ पे नेट टैक्स पेबल जो है मिस्टर ए के लिए हो गया 0। अब हम बात करते हैं मिस्टर बी की। तो मिस्टर बी की अगर मैं बात करूं तो एज है 62 इयर्स, यानी कि सीनियर सिटीजन है। उनकी यहाँ पे पेंशन और सैलरी मैंने दोनों को मिला के 9 लाख का एग्जांपल लिया है। तो 9 लाख में से 75,000 का डिडक्शन, 8,25,000 की इनकम, रेंटल इनकम रिसीव हो रही है 2 लाख रुपए की, होम लोन इंटरेस्ट इन्होंने दिया है 1.5 लाख रुपए का। तो टोटल यहाँ पे छूट मिलने के बाद टैक्सेबल इनकम हो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की 50,000 रुपए की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए का ही इनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फैमिली पेंशन इस केस में मैंने यहाँ पे नहीं ली है। तो टोटल इनकम जो यहाँ पे बनती है वो बनती है 8,75,000 रुपए की। ना ही कोई अग्निवीर कॉर्पस का फंड है, ना ही यहाँ पे एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल सीधा ही इसी इनकम पे मैंने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, जो कि बन गया आपका 37,500। यहाँ पे ना तो आपकी कोई रिबेट है, ना ही आपकी रिलीफ है, क्योंकि अगर रिलीफ की बात करूं तो 7 लाख से ऊपर जो इनकम होगी वो आपको एज ए टैक्स देनी होगी। तो यहाँ पे 7 लाख से ऊपर इनकम है 8,75,000, 1,75,000 की आपको टैक्स रिलीफ अगर आप लेते हैं तो आपको एज ए टैक्स पे करना पड़ेगा 1,75,000। लेकिन जब आपका टैक्स ही कम बन रहा है तो आप टैक्स रिलीफ क्यों क्लेम करेंगे? टैक्स जब ज्यादा बनता है और टैक्स रिलीफ कम आती है तब आपको टैक्स रिलीफ क्लेम करने का फायदा है। और साथ में मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, टैक्स रिलीफ अभी जो नया टैक्स ब्रैकेट आया है उसके हिसाब से आपको 7,22,000 तक की इनकम पे बेनिफिट है। उससे अगर 1 रुपया भी ज्यादा होता है तो आपको टैक्स रिलीफ में कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे टैक्स बन जाएगा 37,500 का, जो यहाँ पे 37,500 का टैक्स पे करेंगे मिस्टर बी। अब बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की। सुपर सीनियर सिटीजन को वैसे देखे तो न्यू टैक्स रिजीम में घाटा है, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही गवर्नमेंट ने घटा के 5 लाख से 3 लाख कर दी है। अब यहाँ पे 3 लाख तक की, 3 लाख से जो भी ऊपर इनकम होगी वो आपके टैक्स पेबल में आएगी। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिबेट और आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मानी है सैलरी और पेंशन की इनकम, जो मानी है 12,75,000 की, डिडक्शन लेके आपको मिल जाती है 12 लाख की सैलरी और पेंशन। उसके बाद 2 लाख का रेंटल इनकम है और 2 लाख के ही आपने होम लोन इंटरेस्ट पे किया है, तो आपको यहाँ पे जो है पूरा का पूरा डिडक्शन एज ए डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आपको 3 लाख रुपए का मिस्टर सी को, और साथ में एग्जेम्पशन जो मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1,25,000, क्योंकि 1,25,000 की आपकी मैक्सिमम डिडक्शन है। तो आपका नेट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गया स्पेशल रेट से 1,75,000 का। उसके बाद यहाँ पे कोई भी फैमिली पेंशन मैंने नहीं ली है, तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई आपके 13,75,000 रुपए। 13,75,000 में कोई भी अग्निवीर कॉर्पस, ATCCD2, कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो इस पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? अप टू 12 लाख मैंने यहाँ पे बताया कि 12 लाख तक आपको कितना देना है, टोटल 80,000 रुपए। तो एग्जैक्ट मेरा 12 लाख हो रहा है, क्योंकि 13,75,000 में से 1,75,000 की तो जो इनकम है वो स्पेशल रेट से टैक्स होगी। तो मैंने यहाँ पे 80,000 का टैक्स ले लिया। उसके बाद यहाँ पे 12.5% फ्लैट आपको देना है, तो 21,875 रुपए आपको टैक्स देना है। रिबेट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकम है आपकी 7 लाख रुपए से ऊपर, टैक्स रिलीफ आपके किसी काम की नहीं है। तो टोटल टैक्स यहाँ पे मिस्टर
सी को पे करना होगा 101,875 रुपए। अब हम बात करते हैं मिस्टर डी की। मिस्टर डी की एज है 45 ईयर्स और प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर हम बात करें तो एनुअल सैलरी मैंने यहाँ पे ली 8 लाख रुपए की, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपकी सैलरी इनकम हो गई 7,25,000। अब यहाँ पे रेंटल इनकम तो कुछ नहीं होगी क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको होम लोन का इंटरेस्ट की छूट भी नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे होम लोन इंटरेस्ट दिया है इन्होंने 1,80,000 का, तो वो आपको जो है छूट नहीं मिलेगी। ये लॉस आपका जो है लॉस माना जाएगा और ये आपका सेट ऑफ भी नहीं हो सकता क्योंकि न्यू इनकम टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने ये कॉन्सेप्ट भी रखा है कि इसको आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और किसी भी हेड से नहीं सेट ऑफ हो सकता न्यू इनकम टैक्स रिजीम में, ओल्ड में हो सकता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। फैमिली पेंशन 75,000 की है, 1/3 25,000 हो गया और यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन भी 25,000 की है, तो आपको यहाँ पे 25,000 की छूट मिल जाएगी। और उसके बाद जो नेट फैमिली पेंशन टैक्सेबल होगी वो होगी 50,000 रुपए। ग्रॉस टोटल इनकम में अगर मानूं तो ग्रॉस टोटल इनकम है आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 7,75,000 की। ATCCD 2 के अंदर यहाँ पे 55,000 का आपने बेनिफिट दिया गया है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, तो आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी 55,000 की। तो टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी बनी, 7,20,000। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया कि 7,22,000 तक की इनकम होती है तो आपको टैक्स रिलीफ में फायदा है। अब यहाँ पे कुछ मेरे पहले वीडियो में क्लैरिटी नहीं हो पाई थी लोगों को, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि 7,20,000 की इनकम है, टैक्स रिलीफ कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। या तो आप टैक्स भर दो या आप टैक्स रिलीफ क्लेम करने के लिए जो 7 लाख से ऊपर तक की इनकम है उसको आप एज ए टैक्स भर दो। तो मेरी 7 लाख से ऊपर कितनी इनकम है, 20,000 रुपए की। तो आपको टैक्स रिलीफ कितने की मिलेगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 भरना है। अगर आपको टैक्स रिलीफ नहीं मिलती तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ता, आपको भरना पड़ता 22,000, क्योंकि आपको रिबेट तो नहीं मिलती। रिबेट कब तक है, आपकी 7 लाख तक की इनकम तक, तो आपको 22,000 टैक्स भरना पड़ता। तो 22,000 नहीं भरने के लिए गवर्नमेंट ने स्मॉल टैक्स पेयर को बेनिफिट देने के लिए इसको कर दिया कि आप क्या करो कि 7 लाख से जितनी ऊपर इनकम है उस इनकम को एज ए टैक्स भर दो। तो 20,000 के ऊपर की इनकम है तो 20,000 एज ए टैक्स भर दो, और यहां पे इसी को बोलते हैं टैक्स रिलीफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नेट टैक्स पेबल आएगा वो आएगा आपका 20,000 रुपए इस पर्सन के लिए, मिस्टर डी के लिए। अब मैं बात करती हूँ मिस्टर ई की। तो मिस्टर ई की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर ई बोलते हैं, मिस्टर ई है 67 इयर्स की एज की। यहाँ पे मैंने एनुअल सैलरी और पेंशन की इनकम ली है 8.5 लाख रुपए की। स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई के बाद मेरा सेम केस है कि 7,75,000 की इनकम, होम लोन इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलेगी क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। रेंटेड के केस में ही आप यहाँ पे होम लोन इंटरेस्ट की छूट ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं, जितना आपको रेंट इनकम रिसीव हो रहा है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं है। फैमिली पेंशन यहाँ पे 90,000 की है, तो 1/3 अगर मैं करूँ तो 30,000 होता है, और यहाँ पे अगर 25,000 की डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन को देखूं तो आपको टोटल डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ मिलेगी 25,000 रुपए की। तो नेट जो आपकी टैक्सेबल फैमिली पेंशन इनकम हो गई वो हो गई आपकी 65,000 रुपए। ग्रॉस टोटल इनकम अगर मैं देखूं तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई आपकी 8,40,000 रुपए। 8,40,000 में आपका अग्निवीर कॉर्पस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया, तो उसमें आपको कंट्रीब्यूशन को आपको छूट मिल गई 1,00,000 रुपए की। तो अग्निवीर कॉर्पस का ATCCH 2 का डिडक्शन लेने के बाद आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है मिस्टर ई की 7,40,000 की। तो 7,40,000 के लिए टैक्स पेबल बनता है आपका 24,000 का। और अगर मैं टैक्स रिलीफ की बात करूं तो टैक्स रिलीफ सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 7 लाख से ऊपर तक की इनकम को आपको एज ए टैक्स देना है। तो 40,000 की मेरी ऊपर की इनकम है तो इसमें तो मेरे को टैक्स में ही तो फायदा हो रहा है, तो मैं टैक्स ही भरूंगी ना, मैं इनकम को एज ए टैक्स क्यों भरूंगी। तो यहाँ पे आपको क्या टैक्स भरना होगा, आपको भरना होगा 24,000 का टैक्स जो है वो
बनेगा। तो आशा है इस वीडियो से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हो, चाहे वो फैमिली पेंशन का हो। मैंने यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। ये करना आप सभी के लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी हेल्प हो जाती है और हम आप सभी के लिए ऐसे ही लेटेस्ट टेक्स वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये टैक्स कैलकुलेशन की सीट चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, taxsathi@gmail.com पे मेल कर दीजिए, हम आप सभी को ये कैलकुलेशन शीट भी फॉरवर्ड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।